हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार मेरी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, वेलकम। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of May टू 25th of May। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर लियो 16 to 25 May। जनरल मैसेजेस फॉर लियो। नाइस, ओके। लियो देखिए, हमारे पास है द एम्परर, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। द एम्परर आपकी एनर्जी है, एक्चुअली मिक्स्ड एनर्जीज हैं, तो इतना फोकस नहीं करेंगे हम जोडियक साइंस पे। जहां तक द एम्परर की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में ना काफी स्टेबिलिटी आ सकती है आपकी लाइफ में। व्हेन इट कम्स टू योर करियर, फाइनेंसेस, कोई डिसीजन, आपके स्टेज पे है लाइफ के, काफी स्टेबिलिटी आ सकती है। लीडरशिप मुझे दिख रही है कि आप मे बी कोई टीम लीडर बन रहे हैं, किसी टीम को हेड कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बट लीडिंग वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। लीडरशिप आपकी तरफ से आती दिख रही है मुझे, क्योंकि एनर्जी आपकी है दो एम्परर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आप एक लीडर बनते दिख रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में। काफी ब्रेव एंड बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं आप। अपने करियर को लेकर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी कह रहे ना कि किस लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, किस चीज को चूज करना है, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चूज कर रहे हैं। बहुत ब्रेव स्टेप ले रहे हैं, बहुत बोल्ड स्टेप ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने एक जगह पे कन्फाइंड हो या रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग है आपकी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप चीजें चूज कर रहे हैं एंड डिसाइड कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि काफी एम्बिशियस हो रहे हैं आप नेक्स्ट 10 डेज में। तो आप, जहां तक आपका करियर का सवाल है, आप आगे निकल रहे हैं, डेफिनेटली आगे निकल रहे हैं, एंड ग्रोथ दिख रही है एंड सक्सेस दिख रहा है मुझे। नाइन ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। किसी चीज को लेकर एंग्जाइटी है, किसी चीज को लेकर स्ट्रेस है, घबराहट है, जिस वजह से रात को सोना नहीं, नींद नहीं आ रही है, रात को सो नहीं पा रहे हैं। वो एंग्जाइटी कुड बी बिकॉज ऑफ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आप लीडर बन रहे हैं, नई चीजें हैंडल कर रहे हैं, मे बी आपने पहले कभी नहीं करी, बहुत ब्रेव स्टेप लिया है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई नई चीज है, दैट इज वाई वो एंग्जाइटी भी है। रात को नींद नहीं आने वाली जो चीज है वो भी एग्जिस्ट कर रही है इसी वजह से, आई एम गेसिंग, जो मुझे एटलीस्ट इंट्यूशन आ रही है। क्वीन ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, लग्जरी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, पैसा आ रहा है। जो आपने नया रोल लिया है अपने करियर में, ऑफिस में, फ्रीलांस में, जो भी नया प्रोजेक्ट, नया रोल, नया क्लाइंट लिया है, उससे आपको पैसा आ रहा है। मे बी आप में से कई लोग हीलर हैं, हील करते हैं दूसरों को, या फिर आपकी हीलिंग हो रही है, आप शायद कुछ क्रिस्टल परचेज कर रहे हैं या रेकी करवा रहे हैं, तो हीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे। आप काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशनल नहीं है आप बिल्कुल भी नेक्स्ट 10 डेज में। किसी भी डिसीजन को लेकर, किसी भी कहते ना कि लाइफ में करना क्या है, आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, उस चीज को लेकर आप इमोशनल बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, काफी प्रैक्टिकल हैं एंड मदरली वाइब आ रही है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है मे बी जिसका आप काफी ध्यान रख रहे हैं, स्क्रैच से आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। कई बार इंग्लिश में बोलते हैं ना कि दिस प्रोजेक्ट इज माई बेबी, तो ध्यान रखना स्क्रैच से, स्टेप वन से, जस्ट लाइक अ मदर वुड टेक केयर ऑफ हर बेबी, तो वो वाली मुझे थोड़ी सी चीज दिख रही है। बट पैसा आ रहा है आपके पास, पैसा आ रहा है, बट उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, नई चीजें, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नए रोल्स उठाने पड़ेंगे। अगर आप उसी कंफर्ट जोन में रहेंगे तो पैसा नहीं आएगा आपके पास। हेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, रात को नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी होगी, थोड़ी सी घबराहट हो सकती है, थोड़ी सी सन में अगर निकलते हैं थोड़ा सनस्क्रीन वगैरह लगा के निकलिएगा, क्योंकि टैनिंग दिख रही है मुझे, पिगमेंटेशन दिख रही है मुझे, डिसकलरेशन ऑफ स्किन दिख रही है। अगर आपको इतना टेंशन है स्किन का तो मैंने बता दिया, नहीं है तो वो अब आपके ऊपर है। लियो यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, नेक्स्ट 10 डेज लियो के लिए क्या मैसेजेस। ओके,
एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस, काम करेंगे अचीव करेंगे सक्सेस भी होगा, सारी चीजें होंगी, बट वो तब होंगी जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई ब्रेव स्टेप लेंगे। अगर एक ही कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो आपको कहते हैं ना, जो सक्सेस है या कुछ अचीव करना है वो सारी चीजें आपकी लाइफ में नहीं होंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा एंड थोड़ा सा ब्रेव स्टेप लेना पड़ेगा। उसकी वजह से घबराहट भी होगी, बट देन आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल। जब आप बाहर काम करने निकलते हैं तो अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। लियो के लिए 16 to 25th। ओके, डार्क मैन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कोई इंसान हो सकता है जिसके काले बाल हो, थोड़े से चोटी हो, थोड़े से लंबे बाल हो सकते हैं इसके, इनके साथ या तो ये कोई क्लाइंट है, प्रोजेक्ट है, या फिर कोई फैमिली वाले हैं, बट इनके साथ जो डीलिंग्स हैं, जो रिलेशनशिप है प्लेटोनिक या रोमांटिक, वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। मे बी इनकी वजह से शायद ये काम बहुत दे रहे हैं और इनकी वजह से शायद आपको एंजाइटी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, या फिर शायद इनकी वजह से आप हील कर रहे हैं, मे बी ये हीलर हैं कोई, वो भी हो सकता है। दोनों तरफ से चीजें हो सकती हैं, बट कोई इंसान है जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके काले बाल है या उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। ठीक है, लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके, पाइनएप्पल रिकंसिलिएशन, किसी से भी हो सकती है रिकंसिलिएशन। जरूरी नहीं है कि जब रिकंसिलिएशन का मैसेज आता है तो वो रोमांटिक रिकंसिलिएशन हो। आप अपने किसी पुराने जॉब में जा सकते हैं, पुराने बॉस से, पुरानी जॉब से रिकंसाइल कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर से रिकंसाइल कर सकते हैं, बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी उनसे, वापस झगड़ा खत्म होकर रिकंसिलिएशन हो रहा है, किसी अपने एक्स से कर सकते हैं। और मे बी यू कुड ऑल्सो रिकनसाइल विद योर ओन सेल्फ, जिस तरीके के आप इंसान थे, हुआ करते थे, जो आपका पुराना वर्जन है, आप उससे भी रिकनसाइल कर सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। बट मिलना जुलना रिकनसिलिएशन मुझे किसी पुराने इंसान से जिससे बात बंद हो गई थी वो दिख रहा है। चार्म्स में से क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं चार्म्स में से नेक्स्ट 10 डेज। टेनिस रैकेट, दो लोग खेल रहे हैं, कपल टेनिस या बैडमिंटन या रैकेट रिलेटेड कोई गेम, टेनिस, स्क्वॉश, कुछ हो सकता है, बट खेल रहे हैं या सिखा रहे हैं एक दूसरे को, या टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीम्स खेल रही हैं, वैसा मुझे कुछ दिख रहा है। IRRI किसी का नाम, सिटी, कंट्री, लोकेशन, स्टेट, यूनिवर्सिटी, ब्लॉक, ऑफिस, कुछ हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है कोई, क्रिश्चियनिटी, लोकैलिटी से कुछ कनेक्शन। वाइन कंजम्पशन मुझे दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रही है, मे बी कुछ कोई एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ आने वाला है वो हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग करके चलने की जरूरत है लियो, फ्यूचर प्लानिंग के बिना अगर आप आगे स्टेप लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, तो वो चीज आप पे भारी पड़ सकती है। थोड़ा सा आगे का प्लान करके चलिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, करियर हो, पर्सनल हो, शादी हो, हेल्थ हो, रेंटेड अकोमोडेशन हो, कुछ भी हो, फ्यूचर प्लानिंग करके चलिए। अगर कोई लोन भी लेना है तो भी फ्यूचर प्लानिंग करिए। बट यस, मोर ऑर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से लियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।